Assalamualaikum students, I hope you're all fine. So today I am here to announce that कि पाकिस्तान में एक ऐसा YouTube चैनल भी ओपन हुआ है जहाँ पे ऑफिशियली एम डी कैट की तमाम तर तैयारी करवाई जा रही है, तमाम तर सब्जेक्ट्स की डिटेल दिए जा रही है, PMC के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ तक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसका नाम है एंट्री टेस्ट बाय campus.pk. आप लोगों ने सिर्फ इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो आज जो है मैं डिस्कस करूँगी, जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके वो होए, जो मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमडी कैट के टेस्ट के हवाले से, क्योंकि जब भी हम मेडिकल का नाम सुनते हैं तो उस सब्जेक्ट का सबसे पहले जहन में आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि PMC ने अनाउंस की है, उसके पेपर पैटर्न से लेकर उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लेकर उसके चैप्टर्स तक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और अगर आप लोग मज़ीद जानना चाहते हैं और मज़ीद इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों ने डाउनलोड करना है campus.pk ऐप, जहाँ आप लोग एमडी कैट की तैयारी जो है एवरी सब्जेक्ट की बहुत ही आला तरीके से कर सकते हैं, तमाम तरह वीडियो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं और यहाँ तक के पाकिस्तान की अच्छी और लीडिंग फैकल्टी के साथ जो है वो स्टडी कर सकते हैं और अपने एंडी कैट में 100 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो आज बायोलॉजी के हवाले से जो है मैं तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको उनकी नीयत अच्छी है, वो खिदमत खल्क करना चाहते हैं, इंसानी खिदमत पेश करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। लोगों को बता दूँ कि ऑब्वियसली बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेडिकल के टेस्ट के लिए, एमडी कैट के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता ही है कि बायो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। एक ही सब्जेक्ट होता है जो कि डिफरेंस बताता है FSC प्री इंजीनियरिंग और FSC प्री मेडिकल में और ICS में। तो बायो का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही हैवी हैंड जिसको कहते हैं वो रखता है। आप लोगों को मैं बताऊं कि टेस्ट फॉर्म ऑलरेडी आप सबको ही पता होगा कि MCQs फॉर्म में होगा, 210 जो है वो टोटल मार्क्स का आप लोगों का टेस्ट है, जिसमें से बायोलॉजी के 68 MCQs होंगे, मतलब बायोलॉजी के बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा MCQs होंगे, जो कि 32% मार्क्स वेरी करता है। मतलब अगर आप 100% मार्क्स का आपका पेपर है ऑब्वियसली, तो उसमें से 32% मार्क्स आप लोग बायो से जो है वो गेन कर सकते हैं। 32 to up to 38% आप लोग परसेंटेज निकाल लें, आई थिंक 32 to 38% ही बनेंगे। तो 38% मार्क्स अगर आप लोग बायो के एक्सपेक्ट करते हैं, हमें पता है कि इतना ये वेरी करता है, हम उसमें से 30% भी गेन करें तो मतलब आप लोगों की परसेंटेज अच्छी बन सकती है। बाकी आप सब्जेक्ट्स देखें, उसमें अगर आप किसी में 20, किसी में 30, किसी में 25, 10 भी लेते हैं तो अच्छे खासे आप लोगों की परसेंटेज जो है वो बन जाएगी, मार्क्स भी अच्छे आप लोगों के बन जाएंगे। तो ये आप लोगों को बताया मैंने कि 38% जो है परसेंटेज जो है वो वेरी करता है बायोलॉजी का सब्जेक्ट। उसके अलावा PMC ने जो है एक पैटर्न आप लोगों के लिए निकाला है, आप लोगों की आसानी के लिए, कि उन्होंने चैप्टर्स हमें पता ही है हमने कहाँ से तैयारी करनी है, हमने FSC प्री मेडिकल की बुक से ही तैयारी करनी है। 13 हमारे टोटल चैप्टर्स हैं बायो के, जो कि हम लोगों को आइडिया है उसके लिए। आप लोगों को उन्होंने आप लोगों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या आप लोगों का फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए और आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को जो है वो फास्ट कर सकें, क्योंकि अब टाइम बहुत शॉर्ट रह गया ऑलरेडी, तैयारी फास्ट हो सके और अच्छे तरीके से हो सके। तो 13 हमारे चैप्टर्स हैं, हम लोगों को पता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के हवाले से है, फिर बायो एनर्जेटिक्स है, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, फिर सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 4 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से। उसके अलावा नीचे आएँ तो कोऑर्डिनेशन का एक चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन का एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर है। आप लोगों के पहले 5 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, मगर बायो में सभी चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े करके इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा वो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स है, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स है, चैप्टर नंबर 8 एवोल्यूशन है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो लाइफ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के हवाले से है, उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो प्रोक्रियोट्स का एक चैप्टर है जो कि ऑलरेडी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को उसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब्जेक्ट टॉपिक्स आप लोगों को लर्न करने हैं कुछ। आगे अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर है विच इज़ रियली अ मेजर चैप्टर, क्योंकि आगे फ्यूचर जब आप डॉक्टर की फील्ड को परस्यू करेंगे तो ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा। लास्ट आप लोगों के दो चैप्टर्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 11 जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से है, और जो चैप्टर लास्ट है आप लोगों का वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वो जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के हवाले से है। तो ये 13 आप लोगों के टोटल चैप्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने आप लोगों की बुक्स में हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं और एग्ज़ाम्स भी दे चुके हैं। अब PMC ने किया क्या है कि इन चैप्टर्स की जो है वो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिवाइड कर दिए हैं, उसके अलावा आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो तैयारी करने में। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे चैप्टर नंबर 1 जो आप लोगों का है बायोडाइवर्सिटी का, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है और उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोगों का फोकस क्या होना चाहिए उसके अंदर भी पढ़ने का, ताकि आसानी हो आप लोगों को तैयारी करने में। वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस तरह जिसमें पहले आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेज है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेज है, डिस्कवरी ऑफ वायरसेज है और तमाम तर वायरल डिजीज़ जो हम ऑलरेडी इस चैप्टर में स्टडी तो कर चुके हैं, मगर इसको इन चारों चीज़ों को जो है आप मेजर तौर पे अगर आप प्रिपेयर करें तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ये है इम्पॉर्टेंट उसमें से टॉपिक्स बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में से। उसके अलावा आप लोगों के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों की MD CAT की जो तैयारी है वो आसान हो, आप लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये रट्टा तो आप इसमें लगा नहीं सकते। कॉन्सेप्ट रखने के लिए आप लोगों के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, उसमें आप लोगों ने करना यह है कि ये इन सब चीज़ों पर जो है वो फोकस रखना है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लोगों के ये होने चाहिए कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू ट्रेस द वायरस, ठीक है। उसके अलावा उसके अगले स्टेप में आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि किस टाइप का वायरस है, और इसके अंदर हम लोगों ने, क्योंकि ये देखिए ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं, ये बात क्लियर है, मगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ये होगा कि आप लोग इन सब चीज़ों पर फोकस रखेंगे ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारा फोकस जो है इन चीज़ों पे होना चाहिए। रट्टा से हट के भी हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करते हैं, जिसमें ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कहा है कि आपने वायरस को ट्रेस करने का तरीका क्या होता है उस पर फोकस रखना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि ये कौन सी वायरल है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन सा ऐसा बैक्टीरिया या वायरस है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा लास्टली हम लोगों को सिम्टम्स बताने हैं, उसके अफेक्ट्स बताने हैं और कौन सी डिजीज़ है उसके हवाले से जो है बताना है। तो ये आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो कि आप लोगों ने फोकस करने हैं। ये तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताया है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ऊपर उसके टॉपिक्स बताए थे कि ये आप लोगों ने जो है इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसका आप लोगों को फोकस इस पर करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को आइडिया है कि आगे जब आप प्रैक्टिस करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से आप लोग जो है जहन में रख के आगे आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। इसी तरह ही बाकी सारी चैप्टर्स के भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के लिए हैं, मौजूद हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वो भी देखें तो मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूँगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग वो लिंक के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विच इज़ campus.pk ऐप, जिसके लिए आप लोग रजिस्टर भी हो सकते हैं, आप लोग अपनी MD CAT की तैयारी भी कर सकते हैं, तमाम तर इम्पॉर्टेंट MCQs भी वहाँ से ले सकते हैं, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो आप लोगों को प्रोफेशनल टीचर्स गाइड करेंगी, तो आप लोग वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।